आज से 18 महीने पूर्व जब जन घोषणा पत्र जारी किया गया, उस समय जन घोषणा पत्र जारी करते समय माननीय भूपेश बघेल जी के पास वो सब थे जिसके बारे में आज वो इनकार कर रहे हैं। उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जीरम के सबूत उसके पास हैं, नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का ब्लूप्रिंट उसके पास है। उन्होंने ये भी कहा था कि शराबबंदी कैसे की जा सकती है, इसका पूरा का पूरा रोड मैप उन्होंने बना कर रखा है। 2500 रुपया नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे उसकी कार्ययोजना उनके पास है। 2500 रुपया धान की कीमत कैसे देंगे उसके लिए योजना उनके पास है। 2 साल का किसानों को बोनस कैसे देंगे, ये सारी योजना जब उस समय जन घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो सबके बारे में सार्वजनिक रूप से बोला करते थे कि उनके पास ये सारे के सारे काम करने की, तत्काल करने के ब्लूप्रिंट उन्होंने बना के रखा है। अब 18 महीने निकलने के बाद इन सब बातों से आज अलग होकर इनकार कैसे कर रहे हैं, प्रश्न इस बात का है कि उस समय ये सब ब्लूप्रिंट इनके पास थे तो आज क्यों इसका क्रियान्वयन सरकार समय रहते नहीं कर रही है। इंतजार करते करते युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है और आज सबके मन में ये बात है कि सरकार ने केवल छल किया है, इस क्रियान्वयन करने की क्षमता सरकार के पास नहीं है।